वीडियो ले रहा हूँ यहाँ पे। आप वर्कआउट करने नहीं आते हो, खाली बातें करने आते हो। बहुत बड़ा काम है बातें करना। वाह बरोबर बरोबर। तो गाइस फिर से एक मतलब नए ब्लॉग में, तो नया ब्लॉग तो आप देख ही रहे हो, स्वागत मैं अभी कर रहा हूँ। क्या है कि एक्चुअली मैं आप लोगों से काफी टाइम के बाद में, मतलब समझो आप मेरे को ये ब्लॉग में काफी देर के बाद में देख रहे हो, शक्ल नहीं दिखा रहा था और लास्ट ब्लॉग भी शायद ऐसा ही कुछ था। देखो सीन कैसा है कि अभी एक्चुअली मैं इतना बिजी शेड्यूल है तो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाना भूल ही जाता हूँ। ब्लॉग कैसे बनाना भूल जाता हूँ क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना मेरे लिए थोड़ा हार्ड रहता है। तो मैं समझो करीबन 15 मिनट में 10-10 12-12 किलोमीटर कवर करता हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत मेरे लिए हार्ड रहता है कि मैं कैसे कवर कर रहा हूँ या क्या, तो इंस्टेंट पहुंचना पड़ता है, तो वो चीजें होती है। तो इसके लिए ये शेड्यूल नहीं रहता। बाकी कोरियोग्राफी भी कहीं पे ऐसा है कि मेरा वहां पे ब्लॉग बनाना इतना मतलब समझो उन लोगों का परमिट नहीं होता है, तो इस हिसाब से होता है। बाकी ब्लॉग तो आपको जैसे जैसे होगा वो तो बताते रहेंगे, अभी तो कंटिन्यूस आते रहेंगे। और जल्दी ही आपके लिए एक नया सरप्राइज भी है। और ये देखो हम फ्लावर शो गए थे, मैं मतलब इंस्टेंट प्लान बन गया था फ्लावर शो जाने के लिए, तो वहां पे गए थे और फ्लावर शो है। उसके बाद में अभी उत्तरायण आ रही है, आज पिटोरी भी होगा, मतलब समझो आज लोहड़ी है, तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। और कल है उत्तरायण, तो मतलब उत्तरायण के लिए नया ब्लॉग आएगा, वो मतलब अलग ही आएगा, तो वो चीजें हैं। बाकी काफी सारी चीजें जो मेरे माइंड में चल रही, तो धीमे धीमे आती रहेगी, मतलब अपना चैनल और बिल्डअप होता रहेगा, तो वो चीजें हैं। तो अभी देखो मेरे को मैं अभी कंटेंट देखता हूँ, ये कंटेंट में क्या बनाऊं, तो वो चीजें हैं। लेकिन क्योंकि मेरा फोन सॉन्ग भी चलते हैं और मैं जो वर्क करता हूँ वो नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है या कैमरा नहीं है, तो ऐसा है। तो अभी मतलब समझ सकते हो कि उसमें ही मतलब एक दूसरा फोन आएगा या क्या, ये चीजें हैं। और बाकी तो देखो मजे करते हैं। मैं तो पहली बार वैसे फ्लावर शो हम लोग गए थे, तो पहली बार मैं गया था, लेकिन कुछ काफी मजा आया है। और तो बनाया था अहमदाबाद में, चीजें बन रही है, तो घूमने लायक है। तो अगर नहीं देखा आपने तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या बोलूं, वैसे क्योंकि मैंने भी 10 साल में पहली बार देखा है, तो लेकिन देखना चाहिए, हर साल लगता है। लाइट फेस्टिवल के आगे हमारे पास टाइम नहीं था, लेकिन फ्लावर शो के लिए था, तो मुझे टाइम निकाल देना। बाकी चलो अभी लोहड़ी आपको दे रहा हूँ मैं, और अभी तो बैठ पे हूँ, तो बैठ में आपको थोड़ा बहुत या के जिन देख रहा हूँ काफी दिनों के बाद। शॉपिंग, ये है उत्तरायण की शॉपिंग। हर जगह पे लोगों की भीड़ है, कल उत्तरायण है तो उस हिसाब से सब लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ जो मांझा होता है वो घिसवा रहे हैं, मतलब इसको कलर करवा रहे हैं, तो वो फुल भीड़ रही हुई है। हमारे गुजराती में सिंधी में तो यही बोलते हैं, डोरी लगवाने जा रहे हैं। और ये जो है ये घिस रहे हैं हाथ से, मतलब ये जो है वो हाथ से करते हैं, वो दूसरा चरखा होता है जो आपने पहले देखा, वो चरखे में कलर लगाते हैं, लेकिन ये हाथ से लगाते हैं, तो असली मेहनत ये होती है। तो ये चीज़ें अलग है, वो चीज़ें अलग है, डोरी तो एक ही है, लेकिन ये असली मेहनत अलग ही है कुछ जो ये लोग करते हैं, जो हाथ से करते हैं, रॉ बोलते हैं वो। और यहाँ पे आ चुके हैं हम, मतलब जो लोरी बोलते हैं उनको, हम लोरी के दर्शन करने आए हैं। मैं लेट हो गया, काम पे था तो इस हिसाब से लेट हो गया था, तो अभी दर्शन करने आया हूँ। और यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं राउंड्स, ये जो ब्लेसिंग्स लेते हैं वो करना पड़ता है जो ज़रूरी है। और ये इसके नाटक चालू। ये इस बात का फायदा किसको उठा, वो भी तो बोलना आपको।
घर में सभी लोग ना कभी ना कभी एक दूसरे की दुखी करते या किसी ना किसी जो है उनका सॉफ्ट पॉइंट उसको उन्होंने एक दूसरे का कभी ना कभी किया ही होगा। डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज। इस गेम में दूसरे को प्रायोरिटी रखी मैंने बहुत और उन्होंने शायद नहीं रखी। सुबह सुबह हम निकल चुके हैं, बहुत ही ठंड है, सामने तो कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे सुबह सुबह हम निकल चुके हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह ये देखो माता के दर्शन करने आए, शक्तिपीठ। बहुत ही ज्यादा ठंडी है। टाइम हो चुका है सुबह के 6:30। मौसम देखो एकदम ठंडा है और हम दर्शन करने आए। आरती सुनेंगे अभी, बस कुछ ही देर में आरती चालू होगी, तो आरती के बाद सुनने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे, दर्शन कर लेंगे अभी, आरती बाद में ही होगी। सो गाइस दर्शन हो गए, आरती सुन ली। अभी एक्चुअली क्या है कि मेरे फ्रेंड्स लोग अंदर ही है और ठंडी इतनी है, मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग पहुँचे तो 8-9 degrees था और मार्बल पे खड़े रहना, मतलब समझो ना इतनी देर, तो पैर तो एकदम ही सुन्न हो गए, भले सॉक्स पहने हुए तो भी सुन्न हो गए, एकदम सुन्न वो चीज़ है। और ठंडी इतनी अपने से सहन होती नहीं है, तो इसके लिए मैं दर्शन कर लिया, आरती कर ली। वो लोग मतलब समझो ना थोड़ा बहुत अभी प्रे ज़्यादा करे, मैंने तो जो भी शुक्राना करना था जो भी शुक्र गुजार है वो सब गॉड ब्लेसिंग है, तो माता को हमने ब्लेसिंग ले लिया। और अभी कार में आके बैठा हूँ क्योंकि ठंडी मुझे ज़्यादा ही लग रही थी, तो इस हिसाब से बाकी वो आएंगे तो अभी यहाँ पे ये चाय कॉफ़ी पियेंगे, मैं तो नहीं पीता चाय कॉफ़ी, लेकिन ये लोग पियेंगे चाय कॉफ़ी, फिर निकलेंगे घर के लिए, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर पतंग उड़ाएंगे जबरदस्त। यहाँ पे नाश्ता करने रुके अभी, चाय कॉफी, ये ऊंधियो 180, फाफड़ा 350, जलेबी 280, बोलो शू खाऊ छे तमने लोगों ने। एंड बैक टू होम, गोइंग बैक होम। ठंड इतनी है कि आजू बाजू में यहाँ पे कार के ओस ये सब जम गए हैं। मंदिर के बाद आ चुके हैं हम यहाँ पे पतंग उड़ाने के लिए, टेरेस पे पहुंच चुके हैं हम। वो एक पतंग ऐसे हमने पकड़ा है, लेकिन वो
साथ में जॉइंट है कोई, साथ में हमारे सिंधी में तो लिपटाना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो आ गया है साथ में। दूसरा भी पतंग है, मतलब हमारी दूरी में दो पतंग है साथ में। तो ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला, बाकी साथ में जो दूसरे आ रहे हैं वो तो उनके जा कर रहे हैं। हमने तो पकड़ा हुआ है पतंग, और साथ में दूसरा भी है ग्रीन वाला, पीछे देखो ये ऊपर वाला जो ग्रीन है ना वो, ये पिंक वाला पकड़ा है, उसके साथ में फ्री आया है, बाय वन गेट वन फ्री आया है ऑफर वाला। ये देखो आ गया है हमारे बाजू में, ये पिंक वाला, फिर उसके पीछे ग्रीन वाला, ये आ गया है। ये जीत निश्चय हो चुकी है हमारी, ये पतंग आ चुका है, ठीक है थोड़ा फट गया है ऊपर से, लेकिन ये देखो आ गया है ऊपर वाला। अभी इसको उतारो नहीं, इसको चढ़ाओ। उतारोगे इसको? पतंग तो जोरदार है, एक नंबर का, खेचम खेच करो यहां से ही। दूसरा भी पतंग हमारे हाथ में आ चुका है। अभी मैंने किन्निया तो बांध दी है, बस ये भाई उड़ा रहे हैं, बस इनका पतेगा, फिर मैं चढ़ाऊंगा अपना पतंग। वैसे तो मतलब बहुत ही मजा आता है मेरे को, लेकिन मैं खींच नहीं पाता हूँ ज़्यादा, जो लोग बहुत ज़्यादा खींचते हैं ना, तो इसके हिसाब से तो मैं सिर्फ डील ही डील देता हूँ। ये भाई बहुत खींचता है, खेचम खेच बहुत करता है। आज के दिन का दूसरा ये पतंग है जो लिपटा हुआ पकड़ा हुआ है हमने, मतलब ऐसे पकड़ा है और उसके साथ में दूसरा भी लिपटा हुआ है। ये देखो हरामी, एक दूसरा आ रहा है हमारा काटने के लिए। दो आंख वाला ये, पहले भी ये दो आंख वाला था, ये देखो काटा होगा अभी सामने वाले का, लेकिन एक पतंग मिल गया हमारा, गया दूसरा, एक पतंग तो मिल गया, अच्छा पतंग है ये। वो भाई बहुत चिलम चिल्ली कर रहे है, बहुत काट रहे है, पक्की दौड़ी है एकदम, सांकड़ आठ। देखते ही देखते दूसरा दिन हो चुका है और सूरज दादा भी नीचे जा रहे हैं। वैसे अभी मोस्टली पब्लिक ऊपर आएगी, जो लेडीज़ होती है काम वाम करके, सब दिन में खाना वाना ये जो होता है समेट के सब, देखो ये सब देखोगे तो अभी पब्लिक ऊपर आपको दिखेगी थोड़ी बहुत। इतना बड़ा पतंग पकड़ा है आज तो, अभी ये उड़ाएंगे, देखते हैं कैसे कहाँ तक जाता है और सब की कटेगी अभी। टेक 405 और ये भाई से उड़ नहीं रहा है ये बड़ा पतंग, अपने तो ट्राई ही नहीं किया है, वैसे तो मेरे से एक ही हो जाए, तो ये भाई ने बोला मैं उड़ाऊंगा, ठीक है भाई उड़ा। अभी ये देखो कैसे कर रहा है, इसमें फंसा गया, अभी ऐसे उड़े कैसे, कैसे लोगों में फंस गए हम। वैसे एक और पतंग मैंने पकड़ा ऐसे ही, उत्तरायण में पतंग उड़ाने से ज्यादा पकड़ने में मजा आता है। ये नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, वापस नीचे उतर जाएगा। अरे भैया किधर उड़ाते हो, हवा उधर है। ये टेरेस पार नहीं कर सकते, ये मैं चैलेंज देता हूँ। और इसका चैलेंज का खतरा हो जाएगा। अरे हाँ, नीचे उतर जाएगा ना, अभी तुम्हारा पीछे किधर जाता है वो, आगे ये टेरेस क्रॉस करो तो पता चलेगा। आ गया, आ गया नीचे, कहाँ गया किधर गया हो गया बाल अभी अभी हवा आई है ना, अभी अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी जोश आ जाएगा भाई में। अभी छू छू जल्दी, दूर दूर जाओ, अभी उड़ जाएगा।
टेक 1100 अभी तक नहीं उड़ा। एक तो हवा नहीं है और फिर तुमको उड़ाने भी नहीं आता है, तो पॉसिबल नहीं है कि ये पतंग उड़ पाएगा। और इसी के चक्कर में मैंने एक और पतंग पकड़ लिया, दो आँख वाला, खुद ही खुद यहाँ से आ रहे, तो पकड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं तो पकड़ेंगे, क्योंकि किन्निया पहनना तो हमको कितना लेजीनेस वाला काम है। ये भाई थोड़ा रिपेयरिंग कर रहे हैं, ऐसा जितना कुछ करोगे कुछ भी नहीं होगा, तुमको उड़ाने नहीं आता है। तो आज के दिन की यहाँ पे ही समाप्ति होती है, बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पतंग ऐसे 3-4 है, लेकिन हम लोग थक गए इतनी देर से, सुबह से उड़ा उड़ा के, तो अभी हम जा रहे हैं घर पे। तो पहले दिन की यहाँ पे ही समाप्ति होती है।